यूपीपीसीएल में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार यूपी सरकार पर निशाना साध रही है। प्रियंका ने घोटाले को लेकर ट्वीट किया है, दो ट्वीट किए हैं जहां पर उन्होंने लिखा है कि एक खबर के अनुसार बीजेपी सरकार बनने के बाद 24 मार्च 2017 को पावर कॉरपोरेशन के कर्मियों का पैसा डिफॉल्टर कंपनी DHFL में लगा और सवाल ये है कि बीजेपी सरकार दो साल तक चुप क्यों बैठी रही। कर्मचारियों को ये बताए कि उनकी गाड़ी कमाई कैसे मिलेगी। प्रियंका गांधी ने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि और किन किन विभागों का पैसा डिफॉल्टर कंपनियों में लगा है, सारी चीजें अभी सामने आई है। वहीं जवाब तो देना ही होगा, मेहनत को गाड़ी कमाई का सवाल है। तो लगातार ट्विटर के जरिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी यूपी सरकार पर हमला करती रही हैं और एक बार फिर से यूपीपीसीएल मामले को लेकर दो ट्वीट लगातार यहां पर किए गए हैं और सवाल पूछा गया है कि आखिरकार दो साल तक सरकार कहां थी, क्यों इस मामले को लेकर पहले सामने नहीं आ गया। इसके साथ ही और कौन किन किन विभागों पर पैसा डिफॉल्टर कंपनियों में लगा है, ये चीजें भी वक्त पर सामने आ जानी चाहिए।